हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोबरी डी ब्राइन वन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम पे मत जाना, नाम बहुत बड़ा लेकिन काम बहुत छोटा। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर इस टॉपिक में ऐसा क्या है यार कि ये हर साल पूछा जाता है, इस साल ही पक्का आएगा ये। चलो देख लेते हैं ऐसा क्या है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो भैया डाल देते हैं टॉपिक का नाम, आखिर हमें पढ़ना क्या है। लोवरी, ठीक है सर, डी, ठीक है, लोवरी डी ब्राइन वन, ओके सर, ब्राइन वन, ठीक है भाई, ब्राइन वन, लोवरी डी ब्राइन वन एकेनस्टाइन, लाइन ध्यान देना, एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है, पुनर्विन्यास होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ हटेगा कुछ जुड़ेगा, पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम है, लोबरी डी ब्राइन वन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। अब आपने पढ़ रखा है एल्डोस कीटोस, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये टॉपिक समझ में आने वाला है नहीं। तो अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट में सिंगल बोन सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एल्डोस होता है, और अगर मेरे पास सी ओ ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कीटोज होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। मोनोसैकेराइड के बारे में पता है आपको, चाहे मैनोज हो, ठीक है, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, ग्लैक्टोज हो, सबके सब मोनोसैकेराइड होते हैं जिनका अलग बटन नहीं होता। तो लोबरी डी ब्राइन वन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट जो होता है ना, वो मोनोसैकेराइड से संबंधित होता है। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड कभी भी ये रिएक्शन नहीं देंगे आपको, ये रीअरेंजमेंट नहीं शो करेंगे। कौन शो करेंगे? सिर्फ मोनोसैकेराइड। अच्छा कैसे शो करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो भैया हमारे पास मोनोसैकेराइड, विशेष तौर पर ध्यान दो बेटे, मोनोसैकेराइड, ओके सर, मोनोसैकेराइड, आखिर ये क्या करने वाले हैं सर आज, मोनोसैकेराइड। सबसे पहले ध्यान दो, मोनोसैकेराइड क्या होगा मेरे पास, डाइल्यूट यानी के तनु NaOH प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा, इसके बिना ये रिएक्शन यानी कि ये रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। तो आपको भी डाइल्यूट NaOH लेना ही पड़ेगा। डाइल्यूट NaOH ले लिया सर ने, मजा आ गया सर, क्या करना, थोड़ा सा गर्म कर देना, और इसका सॉल्यूशन होता है यानी कि मोनो, जब मोनोसैकेराइड को, ठीक है, डाइल्यूट NaOH बिलियन के साथ हल्का गर्म किया जाता है तो एक विशेष प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसा होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी बस ध्यान से देखते रहना आप बोर्ड पे। तो क्या बनता है भैया, तो क्या बनता है, जिसके फलस्वरूप आइसोमर एल्डोज, एल्डोज और कीटोज का मिश्रण प्राप्त होता है, और ये सभी मोनोसैकेराइड की कहानी होती है। ऐसे नहीं है कि यार ग्लूकोज की कहानी है, मैनोज की कहानी है, ग्लैक्टोज की कहानी है, फ्रक्टोज की कहानी है, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब पे अप्लाई होता है लोबरी डी ब्राइन वन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। अब सोच लो, लेकिन डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड पे ये अप्लाई नहीं करने वाले हैं हम, हो गई नहीं तो क्यों करेंगे, मोनोसैकेराइड देते हैं, मोनोसैकेराइड अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है सर। क्या बनता है, अरे एल्डोज बनता है, हाँ सर एल्डोज बनते हैं, वाह सर, फिर क्या बनता है, कीटोज, अच्छा अब कीटोज भी बनने लगे, एल्डोज और कीटोज दोनों का क्या बनता है बेटे, मिक्सचर बनता है, इन दोनों का मिक्सचर बनता है, लाइन पे ध्यान देना है, मिक्सचर बनता है, ठीक है, मिक्सचर बनता है, ओके, लाइन पे ध्यान दो, एल्डोज और कीटोज का मिक्सचर बनता है, और यही कहानी मैं लिखवाने वाला भी हूँ, फिर समझेंगे इसको एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कहानी हमारे समझ में नहीं आने वाली है। तो इस पे हमें फोकस करना है, ठीक से इस चीज़ पे फोकस करो, इस मोनोसैकेराइड पे बेटे बढ़िया करके फोकस करो। क्या बना मेरे पास, एल्डोज बन रहा है, बहुत बढ़िया, और क्या बन रहा है सर, और मेरे पास कीटोज बन रहा है, और प्रेजेंट क्या है मेरे पास, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि जब मोनोसैकेराइड को, फोकस करें बोर्ड पे, जब मोनोसैकेराइड को, मोनोसैकेराइड को, ठीक है सर, मोनोसैकेराइड्स को, ओके, जब मोनोसैकेराइड्स को तनु NaOH, लाइन पर फोकस करें, तनु NaOH सॉल्यूशन, तनु NaOH सॉल्यूशन के साथ हल्का गर्म किया जाता है, ऐसे नहीं कि भर भर के गर्म कर रहे हो आप, लगा दी आग जल गई भट्टी, हल्का गर्म किया जाता है, हल्का गर्म किया जाता है, हल्का हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, हल्का गर्म किया जाता है, ठीक है भाई। तो एक विशेष प्रकार का फोकस करना, तो एक विशेष प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है, तो एक विशेष
प्रकार का क्या होता है बेटे, एक विशेष प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है। एक तो यार नाम इतना बड़ा है इसका, अबे भैया छोटा मोटा नाम हो जाता तो सही रहता। एक विशेष प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या पर्सनल नाम है, होता है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, जिसके फलस्वरूप, ध्यान देना है, जिसके फलस्वरूप, ओके, जिसके फलस्वरूप आइसोमर, कौन कौन से आइसोमर, एक तो मिलेगा मुझे एल्डोज, आइसोमर एल्डोज तथा कीटोज प्राप्त होते हैं, एल्डोज तथा कीटोज का मिक्सचर प्राप्त होता है, का मिक्सचर प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, ये सारी कहानी थी हमारी, समझ में आया। ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेडी, ब्राइमान, एकेनस्टाइन और रीअरेंजमेंट। नाम इतना बड़ा है लेकिन काम कितना छोटा है ये देख लो यार, कुछ नहीं है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, बाला हिसाब है बिल्कुल। चलो साहब आगे देखते हैं। जब मोनोसेक्राइड को डाइल्यूट NaOH के, डाइल्यूट NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डोज और किटोज का मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि आइसोमर एल्डोज और किटोज का मिक्सचर प्राप्त होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो साहब, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है ना, यहाँ क्या होता है बेटा, ये जो मैंने भाई बोला ना, ये वाला, ये यहाँ पर क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंजमेंट होना बड़ा जरूरी है, ये रीअरेंजमेंट जो होता है यही परेशान करेगा हमें आगे अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सोच लोगे सर एग्जाम्पल कैसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आ गया मेरे पास। एग्जाम्पल में देखो क्या करना, अगर मैं डी ग्लूकोज, यानी कि अगर मैं क्या करूं बेटे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी ग्लूकोज पकड़ लूं, पकड़ लिया सर डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का, लाइन पे ध्यान देना बेटे, डी ग्लूकोज को, ठीक है, किसके साथ, डाइल्यूट, डाइल्यूट तनु जैसे बोलते हैं हम, डाइल्यूट NaOH विलयन, NaOH विलयन यानी कि सोल्यूशन, ठीक है सर, NaOH सोल्यूशन के साथ हल्का गर्म करने पर, के साथ क्या करने पर बेटे, हल्का गर्म करने पर क्या बनता है, अरे क्या बनता है भैया, गर्म करने पर डी मैनोज, डी मैनोज तथा डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है, का मिक्सचर बनता है, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन करवाऊंगा, फोकस करें लाइन पे, कि डी ग्लूकोज को डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ हल्का गर्म करने पर डी मैनोज तथा डी फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है। एक लाइन पे चीज पे तुम्हें ध्यान देना, अगर मैं डी ग्लूकोज को डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ हल्का गर्म करूंगा तो डी मैनोज और डी फ्रक्टोज का मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर मैं डी मैनोज को भी डाइल्यूट NaOH के साथ हल्का गर्म करूंगा तो मेरे पास डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का ही मिक्सचर बनेगा। या फिर अगर आप डी फ्रक्टोज को NaOH विलयन के साथ हल्का गर्म करोगे तो डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोज का मिक्सचर ही बनने वाला है, ठीक है, यानी कि डी मैनोज और डी ग्लूकोज तनु NaOH के साथ गर्म करने पर समान मिश्रण बनाते हैं, जो मिश्रण में जो डी ग्लूकोज बनाएगा वही तीनों के तीनों बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो साहब जल्दी यहां तक का स्क्रीन शॉट लो और अभिक्रिया में करवाता हूँ उसको जल्दी, फास्ट ले लिया होगा स्क्रीन शॉट इसका, ले लिया, चलो साहब ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा इसकी रिएक्शन करवा दूँ क्योंकि भाई रिएक्शन बड़ी जरूरी है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिना रिएक्शन कहानी अधूरी है भाई, बिना रिएक्शन के कहानी ही अधूरी है। चलो साहब स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आप लोगों ने क्योंकि थ्योरी है इतना बड़ा नहीं है। चलो साहब मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ, आप अपने मोस्टली पॉइंट पे देखो जरा, सबसे पहले ग्लूकोज बनाओ CHO, ठीक है, ये मेरे पास ग्लूकोज बनना बन रहा है CH, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर दे रहा हूँ, ये इस वाले को ऐसे कर दे रहा हूँ और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ OH, और बाकी CHOH का होल थेराइज, CHOH का होल थेराइज। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने अच्छे तरह से पढ़ रखी है, ये डी ग्लूकोज है मेरे पास, क्या बेटा ये मेरे पास डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सर, आगे बढ़ा दो चीज़ को, लो साहब चलो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सिंबल दे दो आप रिवर्सिबल का, किसका, यहाँ सिंबल दे दो आप रिवर्सिबल का, थोड़ा बड़ा करके दो सिंबल, ठीक है, चलो साहब लो थोड़ा बड़ा करके, और यहाँ पे क्या होता है मेरे पास डाइल्यूट NaOH, यानी कि NaOH का मतलब कास्टिक सोडा मैंने प्रेजेंट कर दिया, हल्का सा गर्म कर दो, मर्जी है आपके, लगा सकते हो सिंबल बनना छोड़ भी सकते हो। अब क्या होगा, डी मेनोज का मतलब ये होता है, देखो डी मेनोज का मतलब ये होता है कि जो ये पहला कार्बन को छोड़ के जो सेकेंड कार्बन मेरे पास होता है ना वो अल्फा कार्बन एटम होता है, तो ऐसे एल्डोज, क्योंकि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वो एल्डोज होता है, तो ऐसे एल्डोज जिनमें
अल्फा कार्बन पर ठीक है भिन्न विन्यास होता है, वो सबके सब हमारे एपीमर कहलाते हैं। अभी बताता हूं देखो एपीमर के बारे में, ये ओ एच इधर ले लो, ये वाला एच इधर ले लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, अल्फा कार्बन एटम पर बस विन्यास मैंने क्या कर दिया बेटे, चेंज कर दिया है, ठीक है। अल्फा कार्बन एटम पर विन्यास मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये बन गया मेरे पास डी मैनोज, क्या नाम है इसका, अरे डी मैनोज, मनोज नहीं मैनोज, ठीक है बेटे। ये बन गया मेरे पास डी मैनोज, ठीक है, कितना स्पेशल नाम है डी मैनोज। प्लस प्लस ये तो मेरे पास एल्डोज है, अरे भैया ये तो मेरे पास एल्डोज है। किटोस कहाँ से आएगा, किटोस मैं लेकर आऊंगा, कहीं से भी लेकर आऊँ उठा के, सी एच टू ओ एच, ये आ गया मेरे पास सीओ, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच का होल थ्राइस, और मेरे पास ये ऐसी रहेगा सी एच टू ओ एच, ठीक है। दो दो चार, ठीक है, तीन 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 छः, सही रहे बैठ रहे हैं बिल्कुल। और ये बना मेरे पास डी फ्रेक्टोज, क्या बना बेटे मेरे पास डी फ्रेक्टोज, और ये क्या है मेरे पास किटोस, ये क्या है मेरे पास किटोस, और इन दोनों का क्या बना मेरे पास मिश्रण बना, क्या बन गया इन दोनों का मेरे पास मिक्सचर बन गया। अरे भैया कितना इजी टॉपिक है, लगता हार्ड है पर होता इजी है, जो चीज़ तुम्हें हार्ड लगती है ना वही चीज़ इजी होती है अगर आप पढ़ो सही करके, तो उस चीज़ को देखो कितना ईजी है बन गया। तो ऐसे बनता है चीज़ के बारे में, कुछ नहीं है सिंपल सा टॉपिक है, कर लो आराम से। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ कहानी थोड़ी सी, मैं एक पॉइंट और लिखवाने वाला हूँ मैं, कि अगर मैं डी मैनोज और डी फ्रक्टोज तनु एनए उसके साथ को हल्का गर्म करूं तो समान मिश्रण बनता है, ठीक है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं उस लाइन को भी कि डी मैनोज पकड़ लो आप, डी मैनोज तथा डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी मैनोज तथा डी फ्रक्टोज को, ठीक है, डाइल्यूट एनए ओ एच कास्टिक सोडा, ठीक है, सोल्यूशन के साथ, कास्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ हल्का गर्म करने पर, हल्का क्या करने पर बेटे, गरम करने पर, हल्का गरम करने पर ठीक है, समान ध्यान देना है, समान मिक्सचर प्राप्त होता है, समान मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आप डी मैनोज को गर्म कर दोगे हल्का तो ये और ये बन जाएगा, इसको गर्म करोगे तो ये और ये बन जाएगा। इन तीनों में आपसी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, ये वाला इसमें, इससे इसमें कन्वर्ट, ऐसे कहानी चलती रहती है इन सब की। और एक खास बात और है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज, पूरा कंसेप्ट में क्लियर करवा दे रहा हूँ, ये एपीमर एक दूसरे के, यानी कि लिख दे रहा हूँ मैं पॉइंट, नोट करके लिखना आप भी बढ़िया करके इस पॉइंट को, क्योंकि जरूरी है ये वाला पॉइंट भी, कि मेरे पास क्या है डी ग्लूकोज, ठीक है सर, डी ग्लूकोज तथा डी मैनोज, तथा डी मैनोज, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ये यानी कि डी ग्लूकोज तथा डी मैनोज एक दूसरे के एपीमर है, यानी कि एपीमर है, एपीमर है, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये एपीमर है। आखिर ये एपीमर है क्या, एपीमर देखो वे वे यानी कि वे एल्डोज, ठीक है, वे एल्डोज जिनमें अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम पर भिन्न विन्यास होता है, भिन्न अल्फा कार्बन एटम पर, देखो ये वाला ओएच इधर है और इसमें जो मेरे पास ओएच है इधर है, ठीक है, अल्फा कार्बन एटम पर भिन्न विन्यास होता है, क्या कहलाता है मेरे पास विन्यास होता है, एपीमर कहलाते हैं, होता है एपीमर कहलाते हैं, और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एपीमर कहलाते हैं, ठीक है, ये बनाओ एपीमर कहलाते हैं, ठीक है बेटे, एपीमर कहलाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि डी मैनोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर है, यानी कि एक दूसरे के एपीमर है। क्यों एपीमर है, कि एपीमर की परिभाषा ये बताती है कि अगर अल्फा कार्बन एटम पर विन्यास कैसा है, अलग अलग है, तो वो एक दूसरे के एपीमर है, दोनों के दोनों एल्डोज है, पर ये नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये दोनों एपीमर है, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, बस अल्फा कार्बन एटम पर, ठीक है, विन्यास कैसा है ओएच का, वो डिफरेंट है, एक ओएच इस साइड में, एक बार ओएच इस साइड में, ठीक है। चलो साहब अब पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, यहाँ तक का भी स्क्रीन शॉट जल्दी फास्ट, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, जल्दी ले लो स्क्रीन शॉट्स का, ले लिया होगा स्क्रीन शॉट आपने पक्का, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। चलो साहब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इतनी इजी चीज़, ये नोट्स भी हैं आपके, यही नोट्स हैं, कहीं आपको बाहर से किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, कभी आप नोट्स का इंतज़ार करते रहोगे, भाई मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, अरे क्यों चाहिए नोट्स यार तुम लोगों को, भाई ये नोट्स हैं तो आपके जो मैं लिखवा रहा हूँ। चलो साहब आगे देखते हैं मैकेनिज्म, थोड़ी सी इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं हल्की सी, चलो साहब हल्की सी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर मैकेनिज्म इसके बारे में थोड़ा सा, कि किस तरह से होता है, किस तरह से होता है, तो ज़रा ध्यान देना है। पहला पॉइंट लिखवाऊँ, अगर मैं डी ग्लूकोज को मैं चेंज करता हूँ ना, तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ, नहीं चलो मैं बताऊँ पहले आपको, कि जो मेरे पास डी ग्लूकोज है,
जब मैंने डी ग्लूकोज को डी मेनोज और डी फ्रुक्टोज में चेंज करा तो मिक्सर में चेंज होने से पहले एक इनोल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? एक इनोल इंटरमीडिएट बनता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि डी ग्लूकोज का फोकस करना लाइन पे, डी ग्लूकोज का रीअरेंजमेंट होने पर, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होने पर इनोल लाइन पे ध्यान देना बेटे, पहले इनोल यानी कि इन प्लस ओल इनोल, ठीक है, इन प्लस ओल इनोल इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जिसके पश्चात क्या बनते हैं बेटे, जिसके पश्चात, ठीक है, डी मेनोज तथा डी फ्रक्टोज बनता है, डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। चलिए साहब हमारी मैकेनिज्म पूरी होती हुई, ठीक है, चलो साहब मैकेनिज्म जो है हमारी वो आगे बढ़ते हैं। चलो साहब सबसे पहले ग्लूकोज पकड़ लो आप, तो ये मैंने लिखा सी और सिंगल बॉन्ड ए, मैंने कर दिया इसको डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड मैंने कर दिया एच, क्या बना रहा हूँ मैं, डी ग्लूकोज, ठीक है सर। लाइन पर थोड़ा फोर्स करना, ये मेरे पास ओ एच आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा H, ठीक है साहब, और बाकी सी एच ओ एच का होल थ्राइस, ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसकी, यानी कि ग्लूकोज की संरचना आई है सी एच टू ओ एच। क्या नाम है इसका भैया, इसका नाम दे दो, डी ग्लूकोज है। ओके सर, बन गया डी ग्लूकोज, डर तो नहीं लग रहा है इससे, है भाई, ये बन गया मेरे पास डी ग्लूकोज, सही है सर, डी ग्लूकोज बन गया। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब क्या करने वाला, फायर करने वाला हूँ, फायर मतलब बॉन्ड तोड़ने वाला हूँ, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चलो साहब तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्रैक करा, मजा आ गया सर, इस पर क्या आ गया माइनस, इस पर क्या आ गया प्लस, ओके सर ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्रैक कर दिया, ओके सर इस पर क्या आ गया माइनस, इस पर क्या आ गया मेरे पास प्लस आ गया, ठीक है, प्लस माइनस मिलेगा क्या बना देंगे एक बॉन्ड, पर ध्यान देना है प्रेजेंट क्या रहेगा मेरे पास, प्रेजेंट क्या रहेगा मेरे दोस्त, प्रेजेंट रहेगा तनु एन ए ओ एच। चलो मैं जब इंग्लिश में चल रही है कहानी तो भैया हम भी इंग्लिश में ही लिखेंगे डाइल्यूट एन ए ओ एच, डाइल्यूट एन ए ओ एच। चलो साहब ये सर ऐसी का ऐसी रहेगा, मजा ले गया ये वाला एच प्लस, ये कूद काट के पहुंच गया ऊपर ओ एच, ठीक है सर, अच्छा सर इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर दोनों बॉन्ड बना लेंगे, हाँ भाई बॉन्ड बना लेंगे, ओ एच ऐसी रह जाएगा, हाँ भाई ओ एच ऐसी रह जाएगा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, और मेरे पास सी एच ओ एच का होल ट्राइज ऐसी रहेगा, हाँ भाई ऐसी रहेगा, सी एच टू ओ एच रहेगा ऐसी रहेगा, ये क्या बन गया मेरे पास इनोल इंटरमीडिएट, इनोल इंटरमीडिएट, इनोल इंटरमीडिएट, कितना ईजी है, क्यों, क्योंकि दो ओ एच है, इसको आप बोल सकते हो 1,2 1,2 डाईओल, यानी कि 1,2 इन डाईओल भी बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इनोल इंटरमीडिएट है ये। चलो साहब आगे देखो, अभी तो बना ही ना सर ये, अभी तो कुछ बना ही ना है, बनाओ तो सर जबरदस्ती, ठीक है, इस बॉन्ड को मैं अलग कर लूँ, ठीक है साहब, तो ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रैक कर दूंगा और ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रैक कर दूंगा, ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, इस पे प्लस आगा, इस पे माइनस आगा, ठीक है, तो H सिंगल बॉन्ड C और मेरे पास ओ एच ऐसी रह जाएगा, तो ये जो ये प्लस वाला H होगा ना, देखो तो इस पे माइनस है, इस पे प्लस आगा, जब मैंने ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिक करा तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो प्लस वाला इस माइनस के साथ मिलेगा और ये कुछ इस टाइप से हमारा जुड़ के तैयार हो जाएगा, यानी कि यह आ गया सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, और भैया ये जो मेरे पास सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा प्लस माइनस, यानी कि ये वाला एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे डबल बॉन्ड ओ। अच्छा ये बताओ बेटे इसका नाम क्या है, ये क्या बना दिया मैंने, अरे भैया सर आपने क्या बना दिया, आप तो जादूगर हो रहे हो बिल्कुल, है भाई, तो ये बना दिया मैंने डी फ्रक्टोज, क्या बना बेटे ये डी फ्रक्टोज, यानी कि सी एच टू ओ एच, सी ओ सी एच ओ एच का होल थ्राइस और सी एच टू ओ एच, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज बन गया सी एच टू ओ एच। चलो साहब फिर से अभी डी मेनोज तो बनना बकाया रह गया सर, डी मेनोज तो रह गया, अभी डी मेनोज बना के दिखाओ, है भाई, चलो साहब डी मेनोज बना देते हैं, फिर से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर से क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, चलो मैं बना के दिखा रहा हूँ, अरे भैया ये ऐसे रहेगा, ये जो है ना इसे तोड़ो आसमान पे से, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, खुश इस पर प्लस आएगा बेटा, इस पर क्या आएगा माइनस, ठीक है सर, अरे सर इस पर बॉन्ड क्रिएट करा आपने, इस पर माइनस आ जाएगा,
और भैया देखो कहाँ से रीअरेंजमेंट होगा हाइड्रोजन का, कूदेगा यहाँ से और यहाँ को आ जाएगा। पर इस बार जो है ना थोड़ा सा चेंजेस कहानी होगी, जो OH आप इधर लगा रहे थे वो OH इधर लगेगा हमारा, जो ये वाला H इधर लग रहा था ना वो आप इधर लगेगा आके S फॉर्म में, ये आ जाएगा तुम्हारे पास HCOH। तभी तो बोला जाता है, तभी तो बोला जाता है बीटा फ्रक्टोज, ठीक है, क्योंकि बीटा में इधर होता है OH और अल्फा में इधर होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये बनाता है मेरे पास, चलो साल आगे देखते हैं। तो ये आ गया मेरे पास CHOH का होल 4 CH2OH, होल थ्राइस CH2OH। अच्छा गलती कहाँ हुई है इसमें, ये देखो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास, एक इनोल, इनोल इंटरमीडिएट, क्या बन गया बेटा ये इनोल इंटरमीडिएट। भाई गलती पकड़ना सीखो दीवानो, ऐसे पढ़ते रहो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बॉन्ड तोड़ा मैंने, इस पे माइनस आ गया, इससे मेरे पास क्या आ गया प्लस आ गया, माइनस प्लस दोनों में क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया हमारा, और ये वाला एच कूद काट के यहाँ आ गया, रीअरेंजमेंट हो गया, अब बन गया मेरे पास डीमेनोज। अब क्या है, अब तो भैया मनोज बनाओ या फिर सरोज बनाओ, जो भी बनाओ बन जाएगा। जो मैं कैसे बना रहा हूँ, फिर से अगेन मेरे पास यही कहानी होने वाली है। और भैया ये सिंगल बॉन्ड मेरे पास आ गया, ठीक है, चलो साफ बॉन्ड तोड़ा मैंने, इस पे को इस पे मेरे पास प्लस आ गया, फिर मैंने बॉन्ड तोड़ा गुस्से में, इस पे को इस पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पे मेरे पास आ जाएगा माइनस, आगे बढ़े माइनस, इस पे माइनस और इस पे मेरे पास माइनस, इस पे प्लस, तो प्लस क्योंकि पीछे जो छोड़ता है ना वो प्लस रहता है और नोक साथ ले जाती है माइनस का, तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, तो प्लस माइनस दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। और बना भी लिया, एच की एंट्री यहाँ होगी, तो एच मेरा भैया यहाँ आ जाएगा ये, और ये मेरे पास OH ऐसे रह जाएगा, और ये आ गया मेरे पास CHOH का होल थ्राइस, और ये आ गया CH2OH, क्या नाम है इसका, इसका नाम है डी मैनोस, नोट धनोस मैनोस, ठीक है भाई, ये बन के हमारा तैयार हो गया, ठीक है। क्या है इसमें, 2 रुपए के इजी से भी इजी है ये, अगर देखा जाए यानी कि मैकेनिज्म 2 रुपए के इजी से भी इजी है। मैंने पहले डी फ्रक्टोज बनाया, फिर मैंने क्या बनाया इसका डी मैनोज बनाया, और कुछ नहीं है, बस हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है यहाँ से लेकर इस तरह से, आप पूरा कंप्लीट पढ़ो बढ़िया करके इसको, एक ईजी टॉपिक था, समझ में आया। यानी कि नोक माइनस साथ ले जाती है, पीछे प्लस छोड़ती है, प्लस माइनस दोनों ने एक बोर्ड बनाया, ये वाला प्लस था, ये वाला माइनस है, दोनों मिलकर फिर से एक बोर्ड बना लिया, और इस तरह से हमारा डी फ्रक्टोज से और डी मेनोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, है ना। अगर आप इन दोनों का भी करोगे ना, चाहे आप मेनोज का करो या यानी कि डी फ्रक्टोज का करो या डी मेनोज का करो, तो तीनों का मिश्रण बनेगा, यही मिश्रण बनना है लोट फिर के, ठीक है। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।